हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनजी टिप्स को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ढोकला बनाने की रेसिपी बताएंगे। ढोकला बनाने के लिए हमने एक बाउल दही लिया है और एक बाउल सूजी जिसे हमने पहले छान लिया है, और इसमें हमने 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्च चॉप के लिए, ऑयल आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, वेजिटेबल ऑयल लिया है हमने। हम इसको ऑयलिंग करने के लिए और चॉक लगाने के लिए यहाँ हमने 3 टीस्पून शुगर ली है। चीनी को हमने पहले पीस लिया है। 2 नींबू का रस लिया है और हमने 1 टीस्पून सरसों के दाने लिए हैं, और हमने पानी लिया है, 1 गिलास पानी लिया है हम, और हमने इसमें इनो का प्रयोग करेंगे। आज हम आपको ढोकला इडली स्टैंड में बनाना सिखाएंगे, जो कि एक नई रेसिपी है और नई तरीके से बनाई जाएगी। इडली स्टैंड में हम सबसे पहले 1 गिलास पानी डालकर पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में आप दही डालिए, हमने दही डाली है, इसमें हम सूजी डालेंगे और हम इसे चम्मच से मिला देंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए ताकि ये पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम नमक डालेंगे, नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। यहाँ हमने 1/2 टीस्पून नमक लिया है और हल्दी पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको इसमें हल्दी की मात्रा कम लगे तो आप हल्दी और भी डाल सकते हैं, आप इसमें हल्दी की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अब हम इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तब तक हम इसके इडली स्टैंड में ऑयलिंग कर लेंगे। इतने हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा और हमारा पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप ब्रश से भी इसको लगा सकते हो और अपने फिंगर की सहायता से भी आराम से ऑयल लगा सकते हो। इडली के शेप में बना हुआ ढोकला बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, ये हमने ऑयल लगा लिया है। ये हो गया हमारा ऑयल। अब हम इस ये देखिए, हमारा पेस्ट थोड़ा हार्ड हो गया पहले से, क्योंकि सूजी जो है वो दही को सोख लेती है। अब हम इसमें इनो डालेंगे।
इनो हम इसमें हाफ टी स्पून हमने हाफ टी स्पून इनो लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें खमीर आ गया है। ये हो गया हमारा ढोकला पेस्ट तैयार। अब हम इसको इडली स्टैंड में अच्छे से डालेंगे। चम्मच से आप एक एक चम्मच इसी प्रकार आप सभी स्टैंड्स में पेस्ट को फिल कर लीजिए। थोड़ी सी जगह इसमें ऊपर खाली रखेंगे क्योंकि इस ये जो है इडली की तरह फूल जाएगा ढोकला। ये हमने स्टैंड के ऊपर स्टैंड लगा दिया है। ऐसे ही हम अगले में भी लगा देंगे पेस्ट को। अब हम चम्मच की सहायता से इसको पूरा कर लेते हैं। गैस को तेज कर देते हैं ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसको स्टैंड को इडली बनाने के लिए ढोकला बनाने के लिए रख देंगे। क्योंकि हम इडली स्टैंड में बना रहे हैं इसलिए और हम इसको ढक देंगे। अब हम आपको दूसरी तरफ जितने हमारा ढोकला तैयार होता है हम इसका छोक तैयार कर लेते हैं। हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे। गैस को ऑन कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम यहाँ पे नींबू चीनी और सरसों इसका प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हम हरी मिर्ची लेंगे और पानी। हम छोक लगाने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ये हम इनो हटा देते हैं यहाँ से। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हमने इसमें हरी मिर्च के साथ 3-4 कड़ी पत्ता भी लिया है। ये हमने धो लिया है। 3-4 पत्ते हमने कड़ी पत्ता के लिए हैं। ये हमारा तेल हल्का हल्का गर्म होने लग गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ऑयल हल्का हल्का गर्म हो गया। अब हम इसको गैस को सिम कर देंगे, धीमा कर देंगे गैस को ताकि हमारे ये सरसों के दाने अच्छे से भून जाए। ये सरसों के दाने भूनने लग गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता हल्का सा गीला है इसलिए साउंड करेगा। इसको अच्छा से मिला लीजिए। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। गैस को बंद कर दीजिए क्योंकि ये हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम शुगर डालेंगे। ये हमने 2.5 टीस्पून डाली है।
उसको हल्का सा गर्म होने दीजिए। गर्म तो ये पहले से ही है, इसको अच्छे से मिक्स होने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से गर्म हो जाए और ये नींबू और जो चीनी है अच्छे से घुल जाए। पानी गर्म होने की वजह से हमारी शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। डालो ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम अपना ढोकला भी चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से अभी तैयार हुआ है या नहीं। वैसे तो हमें इसको अभी कुछ ही टाइम हुआ है। ये देखिए खिल के आ तो गया है। एक बार हम चाकू से चेक कर लेते हैं कि हमारा ढोकला अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं। वैसे तो हो गया है, हम इसे 2 मिनट्स और रख लेते हैं। ये हमारा ढोकला अभी तैयार होने वाला है और हमने इस पानी को उबाल लिया है। अब देखते हैं कि हमारा ढोकला तैयार हो गया क्या। गैस को बंद कर देते हैं। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसको आराम से चक्कू को डालो अंदर, उसको बाहर निकालो। ये देखिए प्लेन निकले बिल्कुल। अगर इस पर लगा होता है तो इसका मतलब, चक्कू पे लगा होता है तो हमारा ढोकला रेडी नहीं है, इसका मतलब हमारा ढोकला रेडी है। अब हम इसमें से और हम ढोकले स्टैंड को निकाल लेंगे। ये हमने बाहर निकाल लिया है। हमने इस पानी की गैस को भी बंद कर दिया जो कि हमारा छोक है। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये गर्म होता है, आप नैपकिन का प्रयोग कीजिए पकड़ने के लिए। ये देखिए हमारे तीनों सांचे अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें ये आराम से पकड़ लीजिए और फिर आराम से ये देखिए हमारे इडली की शेप में ढोकला रेडी। ये देखिए एकदम सॉफ्ट ढोकला है। इसी प्रकार आप सारे सांचों में से ढोकला निकाल लीजिए। सूप को चम्मच की सहायता से ढोकलों पे आराम से डालिए ऐसे, ताकि ढोकलों में नींबू और चीनी का रस अच्छे से डल जाए और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आए। ये देखिए आप सभी पर आराम आराम से इनको डालिए। हमने कड़ी पत्ता का प्रयोग किया है इसमें डालने के लिए। अगर आपको हरा धनिया डालना है आप ऊपर से इसको बारीक काट के हरा धनिया डाल सकते हैं। ये देखिए ये हो गया रेडी हमारा ढोकला रेसिपी। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एनजी टिप्स। थैंक यू।